गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गुरप्रीत कौर और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हेयर क्रीम पर की रिव्यू वीडियो। तो गाइस, आजकल मार्केट में बहुत सारे आपको हेयर स्टाइलिंग टूल्स मिल जाएंगे और आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो कहीं से भी। आजकल जो हेयर स्टाइलिंग टूल्स हैं काफ़ी ट्रेंड में भी हैं, क्योंकि ये एक तो कन्वीनियंट होते हैं काफ़ी और ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं। कहीं आपको इधर उधर जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है तो आपको ईजिली इसको कैरी कर सकते हो। और ये जो स्टाइलिंग टूल्स होते हैं इनको यूज़ करना भी बहुत इजी होता है, क्योंकि हम अपने घर पे ही इसको कहीं भी, अगर कोई पार्टी है या कहीं फंक्शन है, आप इसको किसी फेस्टिवल पे कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, ये हेयर स्टाइलिंग टूल्स जो होते हैं इनको यूज़ करना भी काफ़ी इजी होता है, क्योंकि ये हम अपने आप से खुद ही यूज़ कर सकते हैं इसको, और कहीं बाहर पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। और कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बाहर जाके कहीं हेयर स्टाइलिंग वगैरह कुछ करवाएं। अगर कहीं पार्टी में जाना है या कहीं फंक्शन में जाना है तो हम अपने आप से ही कुछ ना कुछ हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं, इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे हेयर स्ट्रेटनर की वीडियो भी डाली हुई है, जो मिनी हेयर स्ट्रेटनर होता है। हेयर कर्लर की वीडियो भी डाली हुई है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हेयर क्रिम्पर की ये रिव्यू वीडियो। तो गाइज़, हम इसको यूज़ भी करके देखेंगे आज कि कैसा ये वर्क करता है और कितना ये वर्क करेगा। तो अभी हम स्टार्ट करने से पहले इसका प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि कैसा रिसीव हुआ है। और गाइस, मैंने इसको मीशो से बाय किया था और इसका जो प्राइस है वो 200 के अबव ही है, लेकिन मैंने इसको डिस्काउंट में बाय किया था, क्योंकि उस टाइम जो सेल चल रही थी उसी में मैंने इसको बाय किया था। तो उसका कोड जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से कोड को मीशो पे जाके उसके सर्च बार पे जाके सर्च कर सकते हो और वहाँ पे आप इसको देखोगे तो आपको इसके साथ साथ और भी सेलर्स मिल जाएंगे, जहाँ भी आपको अपने बजट के अकॉर्डिंगली लगता है प्राइस में कम ज़्यादा, तो आप उसके अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो इसको। तो अभी हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि ये कैसा मुझे रिसीव हुआ है। ओपन करके हम यूज करके देखेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। और गाइस, मैं एक बात बता देती हूँ कि मैंने इसको जब देखा था ना, तो मुझे ये नोवा ब्रांड का लगा था, उस पर नोवा ब्रांड लिखा हुआ था, लेकिन जब मैंने इसको रिसीव किया, जब मेरे पास ये आई मशीन, तो उस टाइम इसके ऊपर इनोवा लिखा हुआ है। तो ये कंफ्यूजन भी है, क्योंकि नोवा जो ब्रांड है वो काफी सुना हुआ भी है, मेरे पास पहले उसका हेयर स्ट्रेटनर भी है, तो ये मैंने उसी चक्कर में मैंने इसको बाय कर लिया था कि इनोवा ब्रांड का है तो अच्छा ही होगा, लेकिन इसके ऊपर इनोवा लिखा हुआ था। अभी ये नहीं पता कि इसका क्या फ़र्क होगा, अभी तो यूज़ करके पता चलेगा कि कितना टाइम ये इसका टाइम पीरियड कितना होगा या वर्क करता है या नहीं अच्छी तरीके से। तो ये मैंने फिर भी रख लिया है। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी हेयर क्रिम्पिंग करना। तो मैंने अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया था थोड़ा सा, जिससे कि आपको क्लियर दिखे। और गाइज, मैं इसमें थोड़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ इस क्लिप में, क्योंकि मेरे जो उस टाइम मैं शूट कर रही थी ना वीडियो, उस टाइम मेरे जो माइक था उसमें ना कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से आपको कुछ भी क्लियर नहीं सुनता। मैं बोल रही थी उस टाइम, लेकिन मैंने बाद में सुना तो उसमें कुछ भी क्लियर नहीं सुन रहा था, इसलिए मैंने इसमें वॉइस ओवर कर दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि मैं इस टाइम। तो गाइज, आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है हेयर क्रीम पर, तो और आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और मैंने अपने बालों में हेयर सीरम लगा रखा था पहले से। अगर आप जब भी इसको यूज़ करते हो तो अपने बालों में हेयर सीरम लगा ले, या फिर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो अगर आपके पास हेयर सीरम नहीं है, तो उससे बाल जो हैं आपके काफ़ी कम डैमेज होंगे, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग टूल्स में हीट निकलती है, तो उसकी वजह से हमारे बाल जो हैं काफ़ी डैमेज होने लग जाते हैं। और इनको हम मोस्टली हम रोज़ रोज़ यूज़ नहीं करते हैं, तो ओकेजनली ही यूज़ करते हैं, तो जब भी यूज़ करें तो आप कोई ना कोई अपने बालों पे हेयर सीरम या एलोवेरा जेल अप्लाई कर लें। और गाइज, आप इसको किसी भी फंक्शन में, अगर कहीं बाहर जाना है तो आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं भी, इसको कैरी कर सकते हो। किसी फंक्शन में जाना है तो आप इसको कैरी कर सकते हो। ये मिनी हेयर क्रिम्पर है और काफ़ी हैंडी भी है और काफ़ी हल्का सा है, इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। आपको अगर इसको बाय करना है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। इसका जो कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो।
और गाइज आप मेरे बालों पे इफेक्ट भी देख सकते हो कि काफी अच्छे मेरे बाल भी हो गए। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे बाल जो है ना वो काफी हैवी हैवी से हो गए हैं। जैसे अगर आपके बाल काफी हल्के हैं, जैसे कि मेरे भी हल्के बाल हैं, तो अगर उनको थोड़ा सा क्रिम्पिंग से हम अपने बालों को बाउंसी बना सकते हैं, जिससे कि हमारे बाल जो हैं थोड़े हैवी लगेंगे। जैसे कि हमारे बाल हल्के होते हैं ना तो काफ़ी दबे दबे से लगते हैं। इससे मेरे बाल आप देख सकते हो कि थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ से जो क्रिम्पिंग की वजह से थोड़े से मतलब काफ़ी हैवी से लगने लग गए हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कोड मिल जाएगा। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है कमेंट करके बता सकते हो आप, और इसको लाइक भी कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको आने वाली जो यूज़फुल वीडियोस हैं वो टाइम पे मिलती रहेंगी। और उसके साथ जो बेल आइकॉन होता है उसको भी हिट करना, क्योंकि उससे आपको जो वीडियोस अपलोड करूँगी मैं उसका नोटिफिकेशन आपको ऊपर साथ के साथ ही मिलता रहेगा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।